सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन चैप्टर ऑफ पार्ट 2 ऑफ जियोग्राफी क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। सो गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेड। सो गाइस, इफ यू डू नॉट सी द प्रीवियस वीडियो गाइस, प्लीज सी दिस, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, प्लीज चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अब देखिए पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। पॉल्यूशन होते हैं चार तरह के, होते तो बहुत तरह के लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में जो पढ़ेंगे वो चार तरह के होते हैं। एक होता है एयर, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव मीन जो न्यूक्लियर बम होता है। अब मैं आपको एक एक के बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। अब एयर पॉल्यूशन बोले तो एयर पॉल्यूशन इज द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर। एयर पॉल्यूशन इज द एक्सेसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन हार्मफुल मैटर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, विच हैविंग द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन वेलबींग एंड द प्लांट लाइफ। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो ऐसे फॉरेन मैटर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो फॉरेन सब्सटेंस है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो हमारे जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ, उन सबको क्या करेंगे, हार्म करेंगे, मतलब कि डैमेज पहुंचाएंगे। तो ये हो गया एयर पॉल्यूशन। अगर मैं आपसे इनकी डिफिनेशन की बात करूँ तो डिफिनेशन बहुत इजी है। एयर पॉल्यूटेंट इज द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन द एयर विच डाइवर्सली अफेक्ट द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग एनिमल लाइफ इट इज। ये मैंने आपको बता दिया तो ये इजी हो गया। अब आपके लिए इसके एग्जाम्पल देखे तो मतलब इसके एग्जाम्पल इसका कारण देखते हैं। इट कॉजेस इसके कॉज जो होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, मतलब कि जो वो होती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं उसका जो बहुत सारा धुआं निकलता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, मतलब कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हार्मफुल होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस ये था हम लोग का एयर पोल्यूशन के बारे में। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन के। सॉइल पोल्यूशन जो हम लोग सॉइल को डर्टी बनाते हैं और डेंजरस बनाते हैं फॉरेन मैटर्स के, फॉरेन जो पार्टिकल होते हैं उसके कारण। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एट द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन। मतलब कोई सॉइल उसमें कोई जो सब्सटेंस है वो इतनी समय अच्छा है, उसमें हम लोग और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल बन जाएगा। तो वो हो गया हम लोग का सॉइल पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन बोले तो जो हम लोग की वाटर मतलब सी वाटर है, मैरिन वाटर, फ्रेश वाटर, उन सब में फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, मतलब जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक हम लोग उनमें चेंज ला दें, हार्मफुल चेंज ला दें, तो वो क्या कहलाएगा, वाटर पॉल्यूशन। और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वो होता है जो न्यूक्लियर बम मतलब न्यूक्लियर पावर्स होता है, न्यूक्लियर बम जो एक बार न्यूक्लियर बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे जापान में बहुत ही तगड़ा एडवर्स इफेक्ट आया था, मतलब कि वो बहुत ही हार्मफुल था। ओके गाइस, तो ये था हम लोग आज का वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।